टाइमर को चालू कर दीजिए। और यहाँ तीन के तीनों लोगों के लिए टाइमर चालू हो चुका है। तीनों लोग पूरी तरह से सोया चाप पे अपनी छाप छोड़ना चालू कर दिए हैं। तो जो साहस लाए देखते हैं उस साहस में कितना अमेजिंग। इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में सोया चाप और रोटी लगी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है सोया चाप और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सोया चाप के साथ में लगा हुआ है रोटी। तो आज हमारा सोया चाप रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी, राजू जी और पवन जी तीन चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 7 मिनट के अंदर इस 15 रोटी और सोया चाप को उड़ाता है, कौन 1500 रुपए की इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन सिर्फ सोया चाप और रोटी का आनंद लेकर के जाता है। और जैसे 7 मिनट के अंदर कोई नहीं फिनिश कर पाएगा तो जो चैलेंजर सबसे ज्यादा खाए रहेगा उसको मिलेगा 500 रुपए का पुरस्कार। तो देखते हैं 500 रुपए की राशि ले जाते हैं या फिर 1500। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज जो टर्म और कंडीशन है बहुत ही गजब की टर्म और कंडीशन है। मतलब जो 7 मिनट के अंदर रोटी और सोया चाप को पूरी तरह से समाप्त कर देगा वो पाएगा 1500 रुपए का नगद पुरस्कार। लेकिन जो नहीं समाप्त कर पाया जो सबसे ज्यादा खाए रहेगा 500 रुपए का नगद पुरस्कार उसके लिए तय है। तो देखना है कि कौन क्या कमाल करता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। और यहाँ तीन के तीनों लोगों के लिए टाइमर चालू हो चुका है। तीनों लोग पूरी तरह से सोया चाप पे अपनी छाप छोड़ना चालू कर दिए हैं। तो जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस सोया चाप और जो है रोटी को उड़ा पाते हैं। देसी भाषा में मलाई और मलाई कोफ्ता और रोटी कौन सबसे पहले खाता है और कौन इनाम की राशि लेकर जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या मलाई कोफ्ता उड़ा पाते हैं या नहीं। मलाई मतलब आइसक्रीम की तरह दिख रही है इसलिए मलाई कोफ्ता इसको। हाँ उसी तरह से उसी हिसाब से इसको नाम दिया जा रहा है मलाई कोफ्ता। और देखना है कि कौन क्या कमाल करते हैं, किसकी स्पीड कितना है। राजू की स्पीड तो रोटी पे बहुत लगती है लेकिन आज जो सोया हुआ चाप है वो उसको जगा पाते हैं कि नहीं है। हाँ जो जगा देगा वो इनाम की राशि ले जाएगा, जो नहीं जगा पाएगा सोता है मतलब सो गया है तो सो लीजिए और जो सोता ही रह जाएगा जो समझा पाएगा वो समझ लीजिए इस सोए हुए चाप को उठा देगा, नहीं तो समझ के लिए 1500 रुपए का नगद पुरस्कार आराम से आ जाएगा सोया चाप को उड़ाने के लिए फॉर्म में। तो देखते हैं जो फॉर्म लगाए हैं उसी फॉर्म में अगर 100% रहेंगे तो 100% विन भी कर जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और पवन की स्पीड बहुत तेजी से चल रही है और इस स्पीड को देखते हुए राजू और फूलचंद भी अपने आप को पूरी तरह से हवा देना चालू कर दिए हैं। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता कौन है। मतलब 7 मिनट के अंदर सोया चाप और जितनी रोटी लगी हुई है पूरा कौन सबसे पहले समाप्त करता है। और राजू जी तो बिल्कुल फॉर्म में आ गया, सोच रहा है 15 रोटियां हम उड़ाएंगे और 1500 रुपए लेकर ही जाएंगे। 1500 रुपए लेने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। और देखते हैं और कितनी रोटी मिलाए हैं ये भी अंदाजा नहीं है लेकिन फिर भी काफी हद तक की रोटियों को एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके सोया चाप में मिला लिए हैं। और इधर फूलचंद पूरी तरह से सोया चाप को मलाई की तरह चाटते नजर आ रहे हैं। बहुत गजब। और चाटने के चक्कर पड़ेंगे तो इनाम नहीं ले पाएंगे, खाएंगे तभी इनाम पाएंगे। हाँ और जिस तरह से आइसक्रीम को खाया जाता है फूलचंद उसी तरह से इस सोया चाप का भी मजा लेते हुए चैलेंज को आगे लेकर जा रहे हैं। इधर राजू पूरी तरह से रोटी पर फोकस करते हुए सोच रहे हैं कि अगर रोटी सबसे पहले समाप्त कर लेंगे तो सोया चाप तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। जैसे आइसक्रीम को चाटते रहो तो आइसक्रीम पिघल करके नीचे गिर जाती है, उसी तरह से अगर इसको चाटते रह जाएंगे तो इनाम की राशि इनके हाथ से छूट जाएगी और रह जाएंगे पीछे इनाम की राशि से। केवल कहते रह जाएंगे चाप चाप सोया चाप। तो भैया इतना तेज खाए तब भी नहीं जीत पाए। सोया चाप खाया फिर भी जीत नहीं पाया। तो भैया कोशिश करिए कि सोया चाप और फूलचंद तो उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं ब्रेकर को तोड़ देते हैं, सोया चाप को पहले उड़ा देते हैं उसके बाद जो है रोटी पे जाते हैं। लेकिन राजू जी सोच रहे हैं सोया चाप बाद में खाएंगे लेकिन रोटी पहले 15 के 15 उड़ाएंगे। बहुत गजब। और जिस तरह मलाई पवन जी कह रहे हैं हमारे बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहे, हम भी 3 सोया चाप खा लिए हैं तो अभी चार जो है प्लेट में पड़ा हुआ है 3 खा लिए हैं। लेकिन हाँ लेकिन पवन जी जो स्पीड लगा रहे हैं बहुत अच्छी स्पीड लगा रहे हैं। इस स्पीड के तहत ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को आगे लेकर जाने वाले हैं और हो सकता है कि पवन जी जीत भी हासिल कर लें। और थोड़ी सी लाइट मतलब मोबाइल की डिस्प्ले लाइट ऑफ हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमर नहीं बंद हुआ था। बहुत गजब, बहुत अच्छे क्वेश्चन। हमने सोचा 3 खा लिए हैं लेकिन 2 ही खाए हैं अभी पवन जी, और 5वां पीस उठा लिए हैं मतलब तीसरा पीस उठा लिए हैं।
सोया चाप का। और जिस हिसाब से चल रहे हैं पवन जी, ऐसा लग रहा है कि राजू और फूलचंद दो के दोनों लोग पूरी तरह से फेल हो जाएंगे पवन के इस स्पीड से। तो इधर राजू की जो रोटी तोड़ तोड़ के रखे थे, रोटी का टुकड़ा पूरी तरह से थाली में फैल चुका है और ढकना चाह रहा है पूरे सोया चाप को, लेकिन राजू बाइट बना बना के पूरी तरह से अंजाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इधर राजू को देखते हुए फूलचंद पूरी तरह से जितना सोया चाप था उसमें से 4 सोया चाप को अंजाम देते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट बढ़ा ही देता हूँ मैं इसकी, और यहाँ पर टाइमर में थोड़ा सा बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइमर हाँ, चल रहा है बहुत गजब। और इधर देखते ही देखते फूलचंद इस समय 5वां सोया चाप को अंजाम देते नजर आए हैं, जबकि पवन के थाली में 4 सोया चाप है और राजू के थाली में अभी भी 5 सोया चाप पूरी तरह से धज के तैयार बैठा हुआ है, बहुत गजब। और पवन जी पूरी तरह से टाइमर में खेल रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको क्या करें क्या ना करें। तो थोड़ा सा टाइमर जल्दी लाइए लाइट में, और ये लोग बिना टाइमर के अकेले ऐसे टाइमर थोड़ा सा रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों के लिए समय थोड़ा सा प्लस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं उस समय का फायदा उठा पाते हैं नहीं, बहुत गजब। और देखते ही देखते जो टाइमर है इस समय अभी अभी 2:28 का सफर तय कर चुका है, और यहाँ पर ये लोग लगभग लगभग मंजिल के नजदीक पहुंचने का भी सफर, और इनाम लेने का इन लोगों का समय बढ़ चुका है, टाइमर घट चुका है। हाँ, और जो क्वांटिटी है वो आराम से अब लेकर चल सकते हैं। और पवन जी देखते हैं क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और सोच रहे हैं पवन जी कि अब इनाम को उड़ाने में थोड़ी सी आसानी होगी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते ही देखते राजू पूरी तरह से पानी का चुस्की लेते हुए नजर आ रहे हैं, रोटी तोड़ लिए हैं इस वजह से अब खा नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ज्यादा रोटी खाने में दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं कोई जो दबाव नहीं, जितना खाना चाहते हैं उतना ही खाइए। हाँ, लगता है कि अब हम नहीं खा पाएंगे तो कोई बात नहीं है, तोड़िए मत। और चैलेंज में विन करेंगे तभी इनाम की राशि पाएंगे, अगर नहीं विन कर पाएंगे तो कोई पैसा भी नहीं लिया जाता हमारे चैलेंज। और देखते ही देखते फूलचंद इस समय पूरी तरह से रनिंग पकड़ लिए हैं और इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि हो सकता है कि जीत की राहों पर अगर निकले हैं तो 1500 रुपए लेकर ही जाएंगे। और उसमें से ढूंढ रहे हैं चिकन कहाँ है राजू जी, ऐसा लग रहा है बहुत बारीकी से देख रहे हैं चाप को। हाँ, सोच रहे हैं इसमें हम चिकन समझ रहे थे तो वेजिटेरियन निकला आइटम। हाँ भैया, ये चिकन नहीं है, ये सोया चाप है। हाँ, तो देखना है कि कौन क्या कमाल करता है, पवन क्या कमाल करते हैं, राजू क्या कमाल करते हैं और फूलचंद क्या कमाल करते हैं। और देखते ही देखते जो सोया चाप की संख्या है फूलचंद के थाली से गायब होती नजर आई है और रोटी भी लगभग लगभग भागती नजर आ रही है, लेकिन राजू थाली में आ गया, सोच रहा है राजू जी ठंडे पड़ रहे हैं तो हम गर्म हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, और इनाम की राशि ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। और इनाम की राशि अगर 100% लेना है तो 7 मिनट के अंदर 15 रोटी और सोया चाप उड़ाना है, बहुत बढ़िया, बहुत है। और देखते ही देखते इधर राजू जितनी रोटियां तोड़े थे उन रोटियों से हार मान लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि यार हम फालतू इतना तोड़ लिए, अगर एक एक खाए होते तो हो सकता था कि हम खा लेते। और इधर फूलचंद एकदम बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फूलचंद के लिए सोया चाप एकदम वरदान साबित हो रहा है और 1500 रुपए का इनाम दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठ गया है। 1500 नहीं तो 500 रुपए कोई इनको लेने से रोक भी नहीं सकता, क्योंकि काफी फॉर्म में चल रहे हैं। और पवन जी देखते हैं क्या 500 ले जाते हैं या 1500। पवन जी जब चैलेंज में बैठ रहे थे उसके पहले ही बोल दिए कि आज जीतना है तो जीतना है, किसी भी दम पे जीतना है, तो हो सकता है पवन जी फूलचंद को हराकर खुद आगे निकल जाएं और जो इनाम की राशि है 1500 या 500 खुद ले ले। नहीं, 1500 रुपए 100% पवन जी लेने लिए तैयार है, क्योंकि आखिरी सोया चाप उड़ाना है और इनाम की राशि में आ जाना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। देखते हैं आखिरी सोया चाप उड़ा पाते हैं नहीं, बहुत बढ़िया। रोटी सोया चाप उड़ाते हैं, रोटी बाद में खाते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। जो रोटी का टारगेट है उस टारगेट कोई दिक्कत नहीं, रोटी का टारगेट तो 1 मिनट में एक बार में सारी की सारी रोटियां उड़ा देंगे, बहुत गजब, मतलब पूरी वन बाई वन खाएंगे तभी काउंट हो पाएगी रोटियां, नहीं तो बाद में रोटियां काउंट होने में भी दिक्कत होगी, दिक्कत हो जाएगी। और देखते ही देखते पवन पूरी तरह से सोया चाप को फूलचंद से पहले एकदम समाप्त कर दिया, अब टूटना चाह रहे हैं रोटी पर, सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोटियों को पूरी तरह से अंजाम देते नजर आए, और सोच रहे हैं कितनी रोटियां खाएं और कितनी न खाएं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और देखते हैं कितनी रोटियां खाते हैं, और 3-3 रोटी 4-4 रोटी एक बार में उड़ा लिए हैं, और 4 रोटियां देखते हैं उड़ा देंगे तो हमको लग रहा है 100% फूलचंद जी पीछे हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है।
कोई दबाव नहीं अगर और चार रोटी लेकर पूरी तरह से हट रहे और खा नहीं पाएंगे, वापस प्लेट में रख दिए हैं। तो इस वजह से पवन जी थोड़ा सा हौसला तो बनाए थे लेकिन हौसले को एकदम बरकरार नहीं रख पाए। हाँ थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल लेना है तो खड़े हो जाइए, तब फटाफट ग्रीन सिग्नल आ जाएगा उसके बाद। हाँ थोड़ा सा गजब और जिम्नास्टिक की तरह पूरी तरह से उठक बैठक चालू कर दिए पवन जी, जबकि फूलचंद जो अपना एक्सीलेटर लगाए थे उस एक्सीलेटर को आराम से खाइए, कहीं लीक ना हो जाए मलाई कोफ्ता मतलब गजब। और इधर देखते ही देखते फूलचंद का लास्ट को मलाई लास्ट फिर टाइमर रुक गए हैं यार, बार बार टाइमर ही रुक जा रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, 5.5 मिनट पे फिर टाइमर रुक गया। कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों के लिए समय थोड़ा सा प्लस होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, मदद को से दौड़िए मत, दौड़िए मत, दौड़िए मत, बहुत गजब। और देखते पूरी तरह से जो टाइमर की स्पीड है वो रुक गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, इन लोगों को समय प्लस मिलता अगर नहीं खाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी चैलेंज को छोड़ सकते हैं। हाँ पवन जी अगर नहीं खाना चाहते तो कोई बात नहीं है, रुक सकते हैं, कोई जोर दबा नहीं है, लेकिन पवन जी सोच रहे हैं टाइम एक्स्ट्रा मिल गया तो हम खा ही लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से, बहुत गजब। तो यहाँ पर देखते ही देखते फूलचंद तो तरह से थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, देखते हैं क्या खा पाते हैं नहीं ये लोग। और देखते ही देखते जो टाइम दिया गया था 7 मिनट का जो टाइम दिया था वो भी पूरा होने वाला है। और इस और देखते हैं 4 रोटियां पवन जी लिए, वो 4 रोटियां खा पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत गजब। और इस समय फूलचंद की स्पीड जो है काफी हद तक बरकरार रही है और सबसे ज्यादा रोटी भी फूलचंद खाए हैं। बहुत बढ़िया, और देखते हैं अभी काउंट करते हैं कितनी रोटियां बची हैं पवन जी आपके पास। हमारे पास 3 है, 3 8 4 7, इसको भी 3 मान लीजिए, 6 रोटी बची है। 7 रोटियां, नहीं 3 ही मान लीजिए, 1 रोटी मान लीजिए खा लिए हैं, तो आपके कितनी बची है? 3 की है। बहुत गजब, 3 4 4.5। तो फूलचंद जी इस चैलेंज में विन कर चुके हैं, तो फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। सोया चाप रोटी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में फूलचंद जी विन कर चुके हैं, तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फूलचंद तो जीते हैं, लेकिन जो 7 मिनट का टारगेट था 7 मिनट में ही जीते हैं, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए जो पूरी तरह से 1500 रुपये का टारगेट था, लेकिन सबसे ज्यादा खाए हैं उस टारगेट को पूरा किए हैं, तो 500 रुपये इनको मिला है। पैसा मिल गया भैया? आज मिल गया पूरा है ना। अगर समय ना होता तब भी हमको नहीं लग रहा था कोई चैलेंजर इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाता, क्योंकि काफी हैवी चैलेंज था। तो ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। और राजू जी तो पहले सोचे कि स्पीड बना लेते हैं, लेकिन स्पीड नहीं बना पाए क्योंकि सोया चाप ऐसे लगा कि एक ब्रेकर का काम करने लगा। तो ये लोग आए हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।